खड़ूस सास की काली और गोरी बहू की पहली रसोई। स्नेहा एक बहुत ही खड़ूस औरत थी। उसका खड़ूसपन पूरे मोहल्ले में मशहूर था। उसके दो बेटे थे। दोनों ही बेटे अब बड़े और जवान हो चुके थे, तो स्नेहा ने उनकी शादी कर दी। एक बहू स्नेहा अपनी पसंद की लाई, तो वहीं उसके छोटे बेटे के लिए बहू का चुनाव उसके पति ने किया था। सारी रस्मों रिवाजों से शादी हो चुकी थी और अब दोनों ही बहुएं दरवाजे पर अपने अपने पतियों के साथ गृह प्रवेश के लिए खड़ी हुई थी। अरे कितनी देर हो गई, दोनों बहुओं को घर के दरवाजे पर ही खड़े हुए। ये स्नेहा जी कहाँ रह गई हैं? अरे बहुओं मेरी मानो तो तुम सभी अंदर आ जाओ। वैसे भी तुम्हारी सास बहुत ज्यादा खड़ूस है, हो सकता है कि वो किसी बात पर मुंह बनाकर कहीं बैठ गई। अगर ऐसा हुआ ना तो हो भी सकता है तुम्हें बाहर ही सोना पड़े, इसलिए मैं तो कहती हूँ अभी ही अंदर आ जाओ। अच्छा तो तू मेरी बहुओं से मेरा अपमान और बेइज्जती कर रही है? अरे है कौन तू मेरी बहुओं को मेरे बारे में बताने वाली? वो क्या, वो निकल जा मेरे घर से। अरे जहाँ भी मुंह क्या देख रही है। स्नेहा ने बिना सोचे समझे अपनी मेहमान को दावत से भगा दिया। उसका ये बर्ताव दोनों ही बहुओं को थोड़ा अजीब है। अरे अब यहाँ पर खड़े हुए सारे के सारे लोग इस तरह मेरी शक्ल क्यों निहार रहे हो? क्या कभी कोई सुंदर औरत नहीं देखी है? सभी घरवाले स्नेहा के इस खड़ूस बर्ताव से बहुत ज्यादा परेशान हुए थे। उसके इस बर्ताव ने सभी मेहमानों को निराश कर दिया था। सभी लोग दुल्हनों के गृह प्रवेश से पहले ही अपने अपने घर लौट आए। सारे के सारे चले गए, चलो अच्छा ही है। इसका क्या अच्छा है माँ, हमारे सारे मेहमान निराश होकर घर लौटे हैं और आप बोल रही हो कि अच्छा है। चुप रह, मुझसे जुबान मत लड़ा, मुझे तुझसे ज्यादा पता है कि क्या सही और क्या गलत। माँ वैसे आप मानो या ना मानो लेकिन आप बहुत ज्यादा खड़ूस हो। स्नेहा ने अपने बेटे की इस बात पर ध्यान नहीं दिया। चल मेरी प्यारी बहू रानी, अब तू गृह प्रवेश करके अंदर आ जा। स्नेहा ने बस अपनी गोरी बहू का ही गृह प्रवेश कराया। अरे स्नेहा, यहाँ तुम्हारी एक और बहू अंदर आने का इंतजार कर रही है, इसका भी तो गृह प्रवेश करवाओ। इस काली कलूटी को मैं अपनी बहू नहीं मानती हूँ, जो इसे बहू बनाकर लाया वो ही इसका गृह प्रवेश कराए। स्नेहा अपनी गोरी बहू और अपने बड़े बेटे को तो अंदर ले आई और बेचारी टीना अपने पति के साथ दरवाजे पर ही खड़ी रह गई। अरे अरे बहू तू निराश मत हो, तेरी सासू माँ का दिमाग थोड़ा ऐसा ही है, आजा मैं तेरा गृह प्रवेश करवाता हूँ। टीना के ससुर ने अपनी बहू का गृह प्रवेश कराया और उसे अपना आशीर्वाद दिया। टीना बड़े ही सुलझे विचारों और एक सीधी साधी सी लड़की थी। उसने अपनी सास की बात को दिल से नहीं लगाया और अपने ससुर से आशीर्वाद लेकर वो भी अपने कमरे में चली गई। सुबह हो गई और आज दोनों ही बहुओं की पहली रसोई थी। स्नेहा ने अपनी गोरी बहू लक्ष्मी की पहली रसोई के लिए बहुत सारी चीज मंगाई, लेकिन टीना के लिए कुछ भी नहीं मंगवाया। कुछ देर बाद दोनों बहुएं तैयार होकर नीचे आ गईं। लक्ष्मी बहू तू आ गई, आजा मैंने तेरी पहली रसोई के लिए बहुत सारा राशन मंगवाया है। क्या माँ जी पहली रसोई? लेकिन मैं कोई खाना वाना नहीं बनाने वाली हूँ, मुझे कुछ भी नहीं बनाना आता है। और वैसे भी अभी कल ही मैंने अपने नेल्स करवाए थे तो वो खराब हो जाएंगे। ये क्या बात हुई बहू? माँ जी आपके इस खड़ूसपन से मैं नहीं डरती हूँ, और वैसे भी आपके लिए मैं ढेरों दहेज ले आई हूँ, गाड़ी ले आई हूँ, तो और आपको मुझसे क्या चाहिए? स्नेहा चुप हो गई। ठीक है बहू, अगर तू नहीं बनाना चाहती तो मत बना, आज तेरा खाना मैं ही बना दूंगी, लेकिन सिर्फ खीर में चम्मच तो चला ही सकती है। ओके फाइन। लक्ष्मी इतराती हुई अपने कमरे में चली गई। स्नेहा किचन की तरफ जाने लगी कि तभी टीना बोली, माँ जी मेरी भी पहली रसोई है तो मैं क्या बनाऊं? मुझे क्या पता, मुझसे क्यों पूछ रही है? अच्छा तो मैं नहीं पूछती, लेकिन माँ मेरा राशन कहाँ पर है? मुझे क्या पता। स्नेहा ऐसी बोलती हुई किचन की तरफ जाने लगी कि तभी उसका पति यानी कि टीना का ससुर हाथ में राशन से भरी हुई थैली लेकर पहुंचा। बहू ये ले तेरा पहली रसोई के लिए राशन, अब इससे तेरा जो भी मन करे वही बना देना, बस खाना स्वादिष्ट होना चाहिए। जी ससुर जी। टीना ने अपने ससुर से राशन लिया और वो भी उसे लेकर किचन में पहुंच गई। किचन में उसकी सास खीर बनाने की तैयारी कर रही थी। सासू माँ मुझे बताइए कि मैं आपको खुश करने के लिए क्या बनाऊं? चुप कर, तेरे जैसे काले कलूटे मुझे कभी भी खुश नहीं कर सकते, चुपचाप अपना काम कर वरना अभी तुझे यहाँ से भगा दूंगी। टीना चुप हो गई। कुछ देर में स्नेहा की खीर बन गई तो उसने अपनी बहू के हाथों से खीर को बर्तन में निकलवाया। टीना ने भी बहुत से पकवान बनाकर तैयार कर दिए थे। चल लक्ष्मी बहू अब सभी को अपने हाथों से बनी खीर दिया। सभी टेबल पर बैठकर खाने का इंतजार कर रहे थे। दोनों बहुएं अपने हाथों से बना खाना ले आईं और सभी को परोस दिया। अरे लक्ष्मी बहू तूने बस खीर ही बनाई है? हाँ आपको खीर बस लगती है? अरे आपके बस की तो कंगनी के चावल बनाने भी नहीं है।
स्नेहा ने अपने पति को चुप कर दिया। लक्ष्मी की खीर चखकर सभी ने टीना का बनाया हुआ खाना चखा। सभी को खाना बहुत पसंद आया, लेकिन नमक बिल्कुल जहर कर रखा है तूने, मुझे ये खाना नहीं खाना है। स्नेहा खाने का टेबल छोड़कर चली गई। उसका ये बर्ताव किसी को भी अजीब नहीं लगा, क्योंकि ऐसा होना उनके घर में एक आम सी बात बन गई थी। कुछ देर में सभी खा पी कर निपट गए और ऐसे ही कामों में लगे लगे शाम हो गई। स्नेहा बस अपनी गोरी बहू की ही साइड ले रही थी, लेकिन रात को बहुत प्यास लग रही है, पानी ले आती हूँ। टीना पानी लेने को उठी। टीना किचन की तरफ ही जा रही थी कि तभी उसे अंधेरे में बैठी हुई स्नेहा दिखाई दी। अरे माँ जी, यहाँ ऐसे क्यों बैठी हुई है? टीना स्नेहा के पास चली गई। स्नेहा का उसके ऊपर ध्यान ही नहीं था, वो खुद से ही अकेले में बातें कर रही थी और उसकी आंखों में भी पानी था। सासू माँ, अरे तू यहाँ कब आई? चली जा, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। मैं चली जाऊंगी, लेकिन माँ आप यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं इतनी खड़ूस सी सख्त सी औरत के हाथ में ये सॉफ्ट सा तकिया और आंखों में पानी कैसे है? मुझसे ज्यादा सवाल मत कर। माँ मैं नहीं जानती कि आप ऐसे क्यों बोल रही हो, लेकिन मेरा तजुर्बा आज का मंजर देखकर यही कहता है कि कोई भी इंसान बुरा तब होता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठा लेते हैं। मुझे नहीं पता कि आपके इस खड़ूसपन की क्या वजह है, लेकिन जरूर बीते हुए कल ने आपको भी कोई गहरा घाव दिया है। चलती हूँ। टीना की बातें सुनकर स्नेहा का मन भर आया और उसने उसे वहीं रोक लिया। स्नेहा ने उस रात टीना से दिल खोल कर बातें की और जब उसने दोनों बहुओं में भेदभाव भी बंद कर दिया और अब सभी कुछ ठीक हो गया था। एक छोटे से गांव में विनीता अपने पति, दो बेटों और दो बहुओं के साथ रहती थी। उनकी जिंदगी सुकून से कट रही थी। विनीता का पति अमित रेलवे स्टेशन पर एक छोटा सा टी स्टॉल चलाता था, तो वहीं दूसरी तरफ उसके दोनों बेटे प्याज की खेती करते थे। अरे विनीता, लाओ जरा मेरी चाय की पत्ती का पैकेट दे दो। अभी लाई। बोलिए, कौन सा वाला दूं, असम की पत्ती का या फिर सादी वाली? अरे कोई भी दे दो, चाय में स्वाद लाने का जादू तो बनाने वालों के हाथों में होता है। अमित अपने ही मुंह से अपनी बड़ाइयां मारता हुआ स्टेशन पर चाय बेचने चला गया, लेकिन वो बस स्टेशन पर बैठकर मक्खियां ही मार रहा था। अरे नहीं, लगता है कि धीरे धीरे मेरी ये दुकान बंद ही हो जाएगी। एक तरफ अमित दुकान पर खाली बैठा हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ विनीता के दोनों बेटे खेत से बड़े ही खुश होते हुए घर आए। अरे क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो। माँ, आज तो बता ही दो कि आप शहर से क्या मंगवाना चाहोगी। क्यों, क्या हुआ? मैं बताता हूँ माँ, इस बार हमारे खेत में पूरी 3 गुना ज्यादा प्याज हो गई है। इस बार माता रानी की हमारे ऊपर असीम कृपा हुई है, और अगर माँ ने चाहा तो हम लोग बहुत जल्द अपना एक बड़ा कारोबार शुरू कर लेंगे। चलो, माता रानी का शुक्र है। मैं तो बस यही चाहूंगी कि तुम लोग हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहो, और कुछ नहीं। सभी घर में बहुत ज्यादा खुश थे। सवेरा होते ही दोनों बेटे खुशी खुशी अपनी उगाई प्याज को बोरियों में भरकर मंडी में बेचने निकल गए, तो वहीं दूसरी तरफ, अरे नहीं ससुर जी, आपकी तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, आज आप दुकान पर मत जाइए। अरे बहू, इस तरह थोड़े बहुत बुखार की वजह से अगर हम ऐसे ही घर में बैठ गए तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी? बाबा, आपका तो इस उम्र में काम करना जरूरी भी नहीं है, आपके बेटे घर गृहस्थी को संभाल लेंगे, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए और बस आराम कीजिए। अमित बहुत जिद्दी था, अपनी बहुओं के कहने पर भी वो नहीं माना और उठ खड़ा हुआ। अरे, उसे खड़ा होते ही जोरों से चक्कर आ गया और वो वहीं गिरने ही वाला था कि तभी उसे उसकी बहुओं ने संभाल लिया। देखा, आ गया ना चक्कर, आप हमारी बात मानते ही कहाँ हो, जाइए, अगर अभी जाना चाहते हो तो जाइए अपने टी स्टॉल पर, हम आपको नहीं रोकेंगे। अमित चुप हो गया और शांति से वहीं लेट गया। उसे देखकर उसकी दोनों बहुओं को हंसी आ गई। क्या हुआ, तुम दोनों हंस क्यों रही हो? कुछ नहीं बाबा, बस हम तो आप दोनों का प्यार देखकर मुस्कुरा रहे थे कि किस तरह आप माँ की बातों की कदर करते हो। देखो बहुओं, बातों बातों में मेरी हंसी मत बनाओ, कभी कभी हर मर्द को अपनी बीवी के आगे झुकना पड़ता है। अच्छा, तो आपको इतनी सी बात मानना ही झुकना लग रहा है? नहीं नहीं भगवान, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों बहुएं अपने सास ससुर की खट्टी मीठी सी अनबन को देखकर मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर आ गई। कुछ देर बाद बलराम और गोविंद कंधों पर प्याज की बोरी लिए दुखी चेहरा बनाकर घर आए। क्या हुआ मेरे बच्चों? माँ, लगता है भगवान हमारी किस्मत में खुशियाँ डालना ही नहीं चाहता है। क्या हुआ है?
माँ, हमें लगा था हम अपने खेत में उगी प्याज को बेचकर मुनाफा कमाएंगे, लेकिन मंडी में प्याज का रेट इतना ज्यादा गिरा हुआ है कि अगर हमारे खेत में प्याज 5 गुना ज्यादा भी उगाती तो उससे भी हमें 2 गुना फायदा भी नहीं होता। पता नहीं जब कभी हमें लगता है कि अब हमारे दिन बदलेंगे तभी ऐसा कुछ क्यों होता है। ऐसे अपने दिल को छोटा मत करो, आगे और भी मौके आएंगे और जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। क्या पता इस सब के पीछे हमारा क्या फायदा छिपा हो। माँ ने सही कहा, हमें कभी भी अपने दिल छोटा नहीं करना चाहिए बल्कि जिंदगी में आगे आने वाले मौकों को तलाश करना चाहिए और अपने कदम कभी भी नहीं रोकने चाहिए। उन दोनों को घर वालों ने बहुत दिलासा दिया और आखिरकार गोविंद और बलराम के मन से उदासी को निकाल दिया। लेकिन बाजार में प्याज का रेट कम होने की वजह से ना तो उनकी प्याज किसी काम आ रही थी और साथ ही अमित भी बीमार घर में पड़ा हुआ था जिसकी वजह से घर में अब पैसे की किल्लत हो रही थी। इस तरह कैसे बात बनेगी, तुम्हारे ससुर बीमार हैं और पति मजबूर, इतनी मेहनत करके उगाई हुई प्याज भी किसी काम की नहीं है। अब तो मेरी समझ नहीं आता कि आगे आने वाले दिन कैसे कटेंगे। माँ सब हो जाएगा, आप परेशान मत होइए, शिल्पा अपनी सास को समझाने लगी। विनीता काफी परेशान थी कि तभी उसकी बड़ी बहू हाथ में प्याज के पकौड़े की प्लेट लेकर आई और साथ ही चाय भी। सासू माँ अब अपने दिमाग से इस तनाव को निकाल दीजिए और आप पकौड़े खाइए। बहू तूने सही कहा, मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, ला अपने हाथ से बने पकौड़े खिला। विनीता ने खुशी से अपनी बहू के हाथों से बने हुए पकौड़े को खाया। रवि ने अपने ससुर और पति को भी पकौड़े खिलाए और साथ ही चाय भी पिलाई। सभी उन पकौड़ों को खाकर बहुत ज्यादा खुश हो गए और सभी की चिंता जैसे मानो उड़न छू हो गई कि तभी शिल्पा के दिमाग में एक आइडिया आया। सासू माँ मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम इसी तरह से अपने खेत के प्याज से बाबा की दुकान में पकौड़े बनाकर बेचें। ऐसा करने से तो हो सकता है कि हमारी कमाई हो जाए। बहुत अच्छा विचार है, फिर क्या था। दोनों बहुएं खुशी खुशी अगली सुबह अपने ससुर की टी स्टॉल में पकौड़े और चाय बेचने निकल गई। बरसात का मौसम था, जो कोई भी स्टेशन पर आता वही प्याज के पकौड़े और चाय पीने रुक जाता और इस सब से उनकी अच्छी कमाई भी हो गई। जीठानी जी अगर आपके पति इस प्याज को मंडी में बेचते तो हमें इससे आधे का भी मुनाफा नहीं होता, लेकिन आज देखो हम लोगों ने अपने प्याज के पाव हिस्से से ही काफी मुनाफा कमाया है। सही कहा, अब बस हमें ऐसे ही मेहनत करते रहना है। दोनों देवरानी जेठानी अपना काम अच्छे से कर रही थी लेकिन उन्हें देखकर वहीं स्टेशन के बाकी व्यापारी उनसे जलने लगे। अरे जब से ये प्याज पकौड़े वाली आई है हमारी तो बिक्री ही कम हो गई है। अरे सही कहा, चलो भाइयों इन दोनों से चलकर बात करते हैं, नहीं तो ये हमारा तो धंधा ही चौपट करवा देंगे। स्टेशन के 2-3 व्यापारी उनके पास बात करने गए, वो सभी काफी गुस्से में थे। जेठानी जी यहाँ पर तो स्टेशन के बाकी दुकानदार आ रहे हैं। उन दोनों ने दुकानदारों को देखते ही चाय बनाई और सभी के लिए पकौड़े बना दिए और उनके आते ही उनके आगे रख दिए। आइए और बरसात में हमारे पकौड़ों का लुत्फ उठाइए। सभी लोग उनकी इस बात से बहुत खुश हो गए और खुशी खुशी वहाँ से पकौड़े खाकर चले गए। दोनों देवरानी जेठानी ने इसी तरह से खूब मेहनत की और कुछ ही दिनों में उनके दिन बदलने लगे और उन्होंने एक छोटे से टी स्टॉल को अपने एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल दिया और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगे।